नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो में बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़ी एक बहुत बड़े राज के बारे में। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स है आप तक हर वक्त पहुँचते रहे। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं ताई और ताई के भाई यानी रिया और शौविक चक्रवर्ती के बारे में, जो और कुछ ही दिनों में यानी 12 जुलाई को जेल जाने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को मेरे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की सुनवाई है 12 तारीख को और उसके बाद रिया और शौविक जाएंगे जेल। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने पहले यह दावा किया था कि अगर वो फिर से जेल जाती है तो फिर वो सबको नंगा करके जाएगी, ताई सबकी वाट के जेल जाने वाली है। इसका जो असर है ये आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के वकील थे जाने माने क्रिमिनल लॉयर सतीश मानचिंडे, जिन्हें अगर आप हायर करेंगे तो आपको करोड़ों रुपए तक देना पड़ेगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती के केस में कौन फाइनेंस कर रहा था ये तो हमें ऑफिशियली पता नहीं है, लेकिन समझदारों को इशारा काफी है। आपको पता ही होगा कि रिया चक्रवर्ती अगर मुंह खोलती है तो कौन लपेटे में आएंगे, किसकी गिरफ्तारी होगी। तो सुशांत के जो कातिल है वही रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे थे। आपको और एक बात बता दूं जो महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि सतीश मानशिंडे ठाकरे के लॉयर है, ठाकरे के काफी ज्यादा क्लोज है सतीश मानशिंडे और वही संभाल रहे हैं रिया चक्रवर्ती का केस। मगर आप कितना भी बड़े से बड़े लॉयर को हायर कर लो, रिया चक्रवर्ती को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के जान से खेल रहे थे, उन्हें ड्रग्स का सप्लाई कर रहे थे और सुशांत के जो पैसे है वो तीनों मिलके उड़ा रहे थे। यानी रिया, शौविक और रिया के जो पिताजी है जिन्हें रिया चक्रवर्ती डॉक्टर बोलते हैं, ये तीनों मिलके सुशांत के पैसों पे ऐश कर रहे थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुशांत के घर के जो बॉडीगार्ड है उनका ये स्टेटमेंट बहुत दिनों पहले दर्ज हो चुका था। तो रिया तो अभी फंसने वाली है, साथ साथ शौविक चक्रवर्ती भी फंसने वाली है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जैसे रिया चक्रवर्ती ने बताया था कि वो सबको ले डूबेगी, तो रिया चक्रवर्ती के मुंह से बहुत सारे नाम निकल के आएंगे, 100% निकल के आएंगे। कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि असल में सुशांत सिंह राजपूत के कातिल कौन है। अभी बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने तो सुशांत को ड्रग्स दिया है, ड्रग्स दे दे के सुशांत की जान ली है। मगर मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती को सारे पैसे और ऐशो आराम मिल रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ ये भी कंडीशन रखा था कि सुशांत की जो मूवीज आने वाली थी उन सब में रिया चक्रवर्ती को लीड रोल में लिया जाए, यानी सुशांत की हीरोइन होंगी रिया चक्रवर्ती। तो रिया चक्रवर्ती का बॉलीवुड का करियर भी चालू हो रहा था और रिया चक्रवर्ती को पैसे भी बेशुमार मिल रहे थे। तो इन्हीं हालातों में रिया चक्रवर्ती भला क्यों सुशांत सिंह राजपूत को मारना चाहेगी। लेकिन जैसे आपको पता है कि 8 जून 2020 यानी सुशांत के मौत से कुछ ही दिन पहले रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट से बाहर चली गई थी, सुशांत के लाइफ से बाहर चली गई थी। तो ये तो बात साफ है कि रिया चक्रवर्ती को पता चल गया कि सुशांत सिंह राजपूत की जान खतरे में है। तो जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को मार रहे थे उनके साथ रिया चक्रवर्ती का लिंक है, ये तो 100% अभी पक्का हो चुका है। और अभी सिर्फ इसी बात का इंतजार है कि कितनी जल्दी रिया चक्रवर्ती इन सारे लोगों का नाम लेंगे और फिर सुशांत के जो कातिल है वो होंगे सलाखों के पीछे। दोस्तों, इस पूरे विषय के बारे में आप सबका क्या कहना है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। टेक केयर, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।